हेलो फ्रेंड्स, आरके विजन ईवी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मोदी सरकार के जैसे मतलब छत्तीसगढ़ में जो अभी एक चुनाव का जो माहौल है, अगर जैसे ही जो भाजपा का सरकार बनता है तो भाजपा की सरकारें जो हैं वो इसमें एक नई योजना लेकर आने वाली हैं, जिसमें इस योजना का नाम मैं आपको विस्तार से बता दूं। जैसे इस योजना का नाम जो है महतारी ए वंदन योजना जो है इस नाम से इसको जाना जाएगा, जिसमें इस योजना के अंतर्गत एक जो विवाहित महिला है जिनका जो शादी हो चुका है, उन महिलाओं को खासतौर पर प्रति माह जो है 1000 रुपये के करीब इन लोग को दिया जाएगा। 1000 रुपये पर माह के हिसाब से अगर आप साल का जोड़ेंगे तो इसमें एक वर्ष में आपको जो है 12000 आपके खाते में डाला जाएगा। तो इस योजना में आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, इसका जो फॉर्म कहाँ से मिलेगा और इसका फॉर्म कैसे भरना है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तो फ्रेंड जैसे इसका जो सरकार आएगा उसके बाद जो योजना स्टार्ट होगा, तो अभी इसमें विलम्ब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो फॉर्म है कैसे रहेगा और इसमें आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो इसका फॉर्म है उसको विस्तृत से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो महतारी जो वंदन योजना, इसमें कुछ जो इस प्रकार का जो फॉर्म दिया जाएगा, इसमें दिया है कि जो महतारी वंदन योजना है यहाँ पे पंजीयन हेतु फॉर्म, इस प्रकार कुछ फॉर्म आपको मिलेगा जो हर घर में जब ये योजना जब चालू हो जाएगी, लागू हो जाएगी, उस टाइम आपको ये फॉर्म दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको और बहुत सारे जो दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितना भी राशन कार्ड वगैरह जो भी लगने वाला है वो सब इसमें लगेगा फ्रेंड। तो इसमें आपको बता दूँ कि जैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे तो किस तरीके से इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर में आपको फॉर्म संख्या मिलेगा, यह फॉर्म संख्या आपको जो आपके नज़दीकी जहाँ भी आपका जो फॉर्म भराया जाएगा फिर वहाँ से आपको मिलेगा फॉर्म संख्या। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदिका का नाम जो है यहाँ पे उनका नाम है, जैसे जो भी महिलाएं हैं उनका यहाँ पे नाम रहेगा, उनके बाद उनके जो है पति का नाम उसकी यहाँ पे नीचे सेकेंड लाइन में रहेगा, तीसरे लाइन पे यहाँ पे संपर्क संख्या रहेगा और वैसे ही चौथे नंबर पे यहाँ पे गांव वार्ड नंबर ये सब रहेगा फ्रेंड। साथ ही साथ पांचवें लाइन पे यहाँ पे देखें तो ब्लॉक और तहसील है यहाँ वो रहेगा, उसके बाद नीचे जहाँ जिला लिखा है वहाँ पे जिला का नाम रहेगा। परिवार में जो विवाहित महिलाएं हैं तो कितने महिलाएं, जैसे आपके फैमिली में जैसे 4 महिलाएं, 5 महिलाएं, 2 महिलाएं हैं, जितना भी है उसको यहाँ पे संख्या को यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार का जो इसका फॉर्म रहेगा फ्रेंड, आपको मैं इस वीडियो जो इस फॉर्म का लिंक है नीचे दे दूंगा, आप वहां से इसको इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। अभी तो इस योजना को लागू नहीं किया गया, जैसे ही भाजपा का सरकार बनेगा फ्रेंड तो आपको सिंपली से जो योजना है लागू हो जाएगी, तो उस टाइम आपको इसमें कैसे फॉर्म भरना है ये जो वीडियो है उस टाइम काम आएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड मेरा जो वीडियो आपको समझ आया होगा, कहीं पे कुछ और इस फॉर्म से रिगार्डिंग कुछ जानकारी अगर चाहिए आपको तो आप मुझे मेरे कमेंट जो बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद फ्रेंड।